मैं स्कूल से आ गई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैंने देखी थी बट मैं खा नहीं पाई, और आज मैंने ली तो वीडियो बनाने के चक्कर में देखो क्या हो गया। और जो भी जितने भी बागड़ के हैं साथी, या फिर जिनका बागड़ की बहू आ रही है भाई उन खातर तो स्पेशल ये गाना बढ़िया है। ये है त्रिशूल, ये किसी को मारने के लिए। बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, और अब भी कुछ 12 बज रहे हैं। मैं स्कूल से आ गई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, एंड कुछ थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, तो मैं आ गई। और अभी हमारा नहीं मतलब मम्मी पापा का नया सॉन्ग रिलीज हुआ है बागड़ो, जो कि आप जाके देख सकते हो। जी राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आज आमरीन की और मेरी दोनों की तबीयत ख़राब है कल से ही एक्चुअली। कल हम शॉपिंग पे गए हुए थे एक शॉप में, तो आदित्य की एक्चुअली ना फेयरवेल है, तो वो ड्रेस लेने गया हुआ था उसके लिए अपनी, और मैं आमरीन और विजय जी साथ में ही थे। फिर अगर हम गए हुए थे तो हमको कुछ ना कुछ तो लेना जरूरी था। हमें तो कुछ ना कुछ लेना ही था, तो हम इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करके आए कल, विजय जी और आदि ज़्यादा करके आए। तो गाइज कल ऐसी हालत ख़राब थी कि मतलब ऐसा मन कर रहा था कि शॉप में ही हम लोग लेट जाएँ, है ना, उधर लेटने बैठने को कुछ मिल जाए, बस ऐसा मन कर रहा था कि बस सो ही जाओ यहाँ पे, क्योंकि कोल्ड हो रहा है परसों से ही बहुत ज़्यादा, और आमरीन को भी और मेरे को भी, और आदि और विजय जी तो पहले भी मार हो गए ठीक हो चुके हैं। और गाइज आज की गुड न्यूज़ ये है कि आज हमारा सॉन्ग रिलीज हुआ है बागड़ो, जस्ट अभी लिंक मेरे पास आया है और मैंने शेयर किया इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग भी देख सकते हो। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, और जिसको पसंद आए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को भी, और बागड़ो सॉन्ग पे रील बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें टैग करो, मेंशन करो, तो हम लोग रील को अपनी स्टोरी पे ज़रूर लगाएंगे गाइज। और विजय जी अभी ऑफिस में ही है, वो आए नहीं है, और आते हैं तब मिलवाती हूँ, या फिर वो ब्लॉग वहीं से शूट करेंगे, और मिलते हैं गाइज थोड़ी देर में, रेडी वेडी हो जाते हैं। मैंने सर धोया हुआ है, बाल कंघी वंघी नहीं करे आज, तो रेडी हो जाती हूँ, और आमरीन को कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, और उसके बाद मेडिसिन ले लेते हैं हम दोनों ही, क्योंकि ठीक होना ज़रूरी है। आगे और भी शूट हैं काफ़ी, और मौसम बड़ा ही मुश्किल से खुला है ना। हाँ। आज धूप निकली है इतने दिन में, है ना, बताओ। बहुत मुश्किल से इतनी धूप निकली है, जो ये अभी दिख रही है ना रिफ्लेक्शन, इतनी भी धूप अगर निकलती थी तो बस ये दिखता ही नहीं था कुछ भी, और अगर होती भी थी तो बस लाइट लाइट होती थी जो होती है कि वैसे कुछ नहीं होता, तो मतलब जो भी वो है ना एक धूप होती है जिसमें सेकते हैं, वो वाली हो रखी है आज ऐसी है धूप जैसे गर्मियों में नहीं होती है उस टाइप की। ये ऐसा बोलना चाह रही है, ये बोल नहीं पाती है, पता नहीं सब खिचड़ी कर देगी। तो गाइस आज अच्छी धूप निकली है, आप लोग भी एंजॉय करो धूप का, जिस जिसको पसंद है, जिसको ठंड पसंद है। काफी ठंड हो चुकी है पहले भी, इतनी भी जरूरत नहीं होती ठंड की जितनी इस बार हुई है है ना। तो चलो जी मिलते हैं थोड़ी देर में, खा पी लेते हैं कुछ, और गाने को शेयर कर देना, बागड़ो बागड़ो के नाम से सॉन्ग आया है तो ज़रूर देख लो आप लोग, और शेयर भी कर दो, रील बनाओ जल्दी जल्दी, अच्छी 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 बहुत प्यारी प्यारी रील बनाइए और मेंशन कीजिए, फिर हम उनको शेयर करते हैं स्टोरी पे आपके नाम के साथ। गाइज हम लोग निकले हैं एम ही एक्चुअली हमारा कुछ काम बाकी है आधार कार्ड का, आमरीन का और मेरा, तो वो पूरा करवाने के लिए हम लोग निकले हैं अभी, और गाना रिलीज़ हो गया है फाइनली जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, तो किस किस को पसंद आया कमेंट ज़रूर करना, और शेयर ज़रूर करना गाने को, और मेंशन ज़रूर करना इंस्टाग्राम पे, रील बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। और अमरीन कुछ बोलेंगे इस बारे में। हाय, अरे हाय गाइस, और मेरे पास है नहीं कुछ फ़िलहाल बोलने के लिए, गाने के लिए बोल दो। जाके देखो कौन सा सॉन्ग, बागड़ो। हाँ जी बागड़ो सॉन्ग रिलीज हुआ है, तो आप लोग जरूर देखो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। राम राम जी, जरेना कैसे हो आप सारे, चला हो गया दोस्तों, यो जो हाथ है उठ नहीं रहा, ऊपर भाई इस तक ऊपर झटका लग गया, ग्रहण किया हुआ बड़ा दिक्कत हुई। और भाई गाना रिलीज हो गया है बागड़ो, और जो भी जितने भी बागड़ के हैं साथी, या फिर जिनका बागड़ की बहू आ रही है भाई उन खातर तो स्पेशल ये गाना बढ़िया है, और जुड़ से बाहर रहे हैं भाई, शहर में रहे हैं, काम कर रहे हैं, और अपनी बहू आने गेल नहीं ले जा सकते, और भाई उनके घर में झगड़ा रहा है इस बात पर लेकर कि भाई हमने गेल
क्यों नहीं ले जा रहे? पहले तो नहीं होगा था, उड़ा नौकरी करा है, उड़ा नौकरी करा है, गेला रखेगा, अरे बाड़ है छोड़ जाए हमने। तो एक पारिवारिक सा चुलबुला सा नोटी सा गाना है भाई, अपने बढ़िया लगेगा। और आप सुनोगे कि वह लेडीज़ की क्या भाई, मेरी यह डिमांड कौन पूरी करेगा या कौन पूरी करेगा, तू हो तो मैं तेरा कह दूँ, है ना। तो अपने देसी भाषा में जो देसी चीज़ होया करे ना, वो गाना में है, फुल परिवार के साथ इंजॉय करो भाई, बागड़ो। तो गाइस काफ़ी दिन से वर्मा जी को ये बैग चाहिए थे, तो वो सोच रहे थे लेने के लिए। तो अंदर हम बोल में आए तो सबसे पहले हम लोग को यही दिखे, और हमने इनमें से एक सेट फाइनली ले ही लिया। और जो तीन का सेट ब्लू में आपको दिख रहा है, ये हमने डिसाइड किया लेने के लिए और हमने ले लिया। क्या नाम बताया इसका? किस परपस से है ये? वैसे लाइक कर बैटरी। Yes. अब तो सर्दी गई, आ जाओ नीचे चलते हैं। क्या लिया हमने फाइनली? बैग ले लिया, जो काफी दिन से आपके मन में चल रहा था ना, वो आज आपने ले लिया। जो मन में आई चीज वो लेनी होती है, है भाई? बच्चों में सब माइंड है मेरा भाई। भाई नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं, फिर क्या हो गया? चॉकलेट पे ही अटकी हुई है, चॉकलेट लेके चलेंगे यहाँ से। हम मम्मा के फेवरेट पोर्शन में किचन ये होता है स्लैब साफ कर, स्लैब क्लीनर बढ़िया पे ज्यादा पैसे। हम पापा को छोड़ते हुए आ रहे हैं। ये क्या है? ये है त्रिशूल, ये किसी को मारने के लिए। गाइस ये एक नया ही आइटम मैंने देखा है, त्रिशूल टाइप का। ये किस काम आता है मुझे नहीं पता, इसको शायद लिखा होगा पता नहीं किस काम का है भाई साहब। ओ ये वो है गार्डनिंग के लिए है, मैं समझ गई। हाँ ये रहा, ये भी हाँ मिट्टी वगैरह गार्डनिंग के लिए है, ये भी और ये भी समझ गए मैं तो। इसका प्राइस कितना है? 99। ये क्या है?
और गाइस यहाँ पे मैं कंफ्यूज थी कि मैं कौन सी चॉकलेट उठाऊँ, तो फिर मैंने पहले कोई उठाई, फिर कोई उठाई, और फिर मैं बाद में लास्ट में डिसाइड किया कि मैं किटकैट ही लूँगी। मतलब मैं एक चॉकलेट ऑलरेडी लेके चली भी गई, फिर मैं वापस आई, जो मैंने शायद रिकॉर्ड नहीं किया है, तो फिर मैं फिर उठाई और मैं चली गई और वापस आई हूँ। फिर हेलो दोस्तों, मैं आज सेक्टर 56 गुड़गांव की मार्केट में आया था, और एक दो बार पहले भी आया था रैंडमली, मैं बेसमेंट में घुस गया स्पेंसर्स में, और यहाँ पे हमारे दोस्त मित्र खड़े हैं अरुण जी, और ये यहाँ के मैनेजर हैं, तो बहुत कोऑपरेटिव, इनका स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, और ये भी बहुत अच्छे हैं, और डिस्काउंट भी स्पेशल इन्होंने किया। और मैं चाहूँगा कि आप सारे सेक्टर 56 में जब भी आएँ स्पेंसर में ज़रूर आएँ, और यहाँ आकर के शॉपिंग करें, यहाँ के स्टाफ से मिलें, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कि आप अपने घर में ही शॉपिंग करें। थैंक यू सर। गाइस हाँ हो रही था ये गाइस, अभी मैं बस बना ही रही थी आप लोगों को बताने के लिए, और ये गिर गई सारी सब्जी। खस्ता कचौरी मैं लाई थी जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, खाई तो मैंने दूसरी तीसरी बार ही एक्चुअली, ये लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने देखी थी बट मैं खा नहीं पाई, और आज मैंने ली तो वीडियो बनाने के चक्कर में देखो क्या हो गया, सारी सब्जी मेरे ऊपर ही गिर गई। तो जाना तो कहीं और था, अब देखते हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मैं तो इस हालत में मुश्किल ही उतर पाऊंगी नीचे, तो खा लेती हूँ, मूड तो ऑफ हो ही गया, कपड़े ख़राब हो गए गाइस, टेस्ट पता नहीं अब कैसा ही आएगा इसका। खस्ता कचौरी किस किस को अच्छी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें एक्चुअली एक कचौरी डलती है और ऊपर से आलू की सब्जी, तो टेस्ट में कचौरी कहाँ है, कचौरी यही है बस पतली सी, कहाँ अंकल ने कम ही डाल के दी इसके अंदर मेरे को, कचौरी यही है बेटा, कचौरी इतनी है बस, पापड़ी सी बस, ओ ये डाल के दी है बस।